हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए थे। हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ लिए थे, पदार्थ की पांच अवस्थाएं पढ़े थे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस में अंतर, जो अक्सर पूछा जाता है ठोस द्रव गैस में अंतर। बस उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। और इस वीडियो में आपको बहुत बेहतर समझ आएगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं तीनों में अंतर क्या है, चर्चा करते हैं। यहाँ हम ठोस सॉलिड, ये द्रव लिक्विड, ये गैस, सबसे पहला डिफरेंस जो हम देखते हैं वह ये है कि इसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। इसमें क्या है, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। इसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है, इसकी अपेक्षा रिक्त स्थान होते हैं। इसमें रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। फिगर के जरिए देखते हैं, डायग्राम के जरिए। ये कोई ठोस पदार्थ है जिसके कणों की स्थिति हम देख रहे हैं। और ये द्रव है, जिसके कणों की स्थिति हम देख रहे हैं। और ये गैस है, देख के आपको पता लग रहा होगा तीनों में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा होगा। इसके मध्य बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं है, इसमें थोड़ी सा रिक्त स्थान है, इसमें रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। इसका आकर्षण बल इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है। इसमें
सबसे कम होता है? अंतराणविक बल। यही आकर्षण बल का मतलब अंतराणविक बल। अंतराणविक बल क्या होता है? पदार्थ के अंदर कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कहते हैं। पदार्थ के अंदर कणों के मध्य लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। इंटरमॉलिक्युलर फोर्स IMF इंटरमॉलिक्युलर फोर्स। देखा जाए इन तीनों में सबसे अधिक ठोस के अंदर अंतराणविक बल होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। यही कारण है कि इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देने पर इसमें बहाव का गुण नहीं होता, लेकिन इसे जब हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो इसमें बहाव का गुण होता है। जब इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो ये जो कण हैं एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, इन्हें हम रोक नहीं पाते हैं। यही कारण है कि ये हवा जैसे ही हम छोड़ते हैं गुब्बारे आकार को छोड़कर अन्य आकार में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंतराणविक बल बहुत कम है। अंतराणविक बल आपने जान लिया क्या है? पदार्थ के अंदर कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल कहते हैं। अंतराणविक बल ठोस के अंदर बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत पास होते हैं। द्रव में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। यही कारण है कि इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं फिर भी इसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसे जैसे ही हम स्वतंत्र रूप में छोड़ते हैं इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसके कण बिखर जाते हैं। और जब इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो इसके आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता, मतलब इसकी मात्रा तो वही रहती है लेकिन इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसका दोनों फिक्स रहता है, इसे कैसे भी छोड़ दे स्वतंत्र रूप से, लेकिन इसके मध्य जो अंतराणविक बल है बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि ये अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता। आइए हम कुछ और अंतर देखते हैं। उम्मीद है अंतराणविक बल आपने समझ लिया होगा। पदार्थ के अंदर कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंतराणविक बल तीनों में सबसे अधिक किसमें है तो ठोस में है। अब हम देखते हैं अंतराणविक बल देख ही लिए, अब इसमें देखते हैं इसके कुछ और गुण। इसमें बहाव का गुण नहीं होता, इसमें होता है। इसमें सबसे अधिक अब हम आपसे कहें क्या कारण है ठोस को दबाए जाने पर दबते नहीं है। जैसे ये अपने पास है ना डस्टर, इसे हम दबा रहे दब नहीं रहा है। इसको जब हम दबा रहे हमारे हाथ की मांसपेशियां दब रही हैं, ना कि ये दब रहा है। ये इसलिए नहीं दबता है, ये इसमें संपीड का गुण इसलिए नहीं होता है
क्योंकि इसके कण बहुत पास पास हैं, इसमें रिक्त स्थान तो है नहीं कि उसे हम दबा के एडजस्ट कर दें। ये पहले ही से इसके कण एडजस्ट हैं, यही कारण है कि इसे दबाए जाने पर ये दबते नहीं हैं। ठोस को दबाए जाने पर क्यों नहीं दबते? क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव पानी को हम जब दबाते हैं तो जैसे जैसे हल्का हल्का संपीड करते हैं तो वह दबता है, क्योंकि उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान की वह पूर्ति करता है। गैस को और ज़्यादा संपीड बनाया जा सकता है, और ज़्यादा दबाव डाला जा सकता है, लेकिन ठोस में इसलिए दबाव नहीं डाला जा सकता क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, यही कारण है कि इसे हम दबा नहीं सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये दबाए जाने पर इसलिए नहीं दबते कि इसके कड़ बहुत पास पास होते हैं, ये दबाए जाने पर दबते हैं, इसके कड़ों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसमें रिक्त स्थान और अधिक होता है, ये दबाए जाने पर और बेहतर दबेंगे। अब हम कहें क्या कारण है ठोस को खींचे जाने पर ये खींचते नहीं हैं, ये हम खींच रहे हैं लेकिन ये खींच नहीं रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये डस्टर है, इसको हम खींच रहे हैं, मतलब तान रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, खिंचाव दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये खींच नहीं रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है? हमने पहले ही पढ़ लिया कि पदार्थ के अंदर कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल। तो इसका अंतराणविक बल बहुत अधिक है जो इसे बांधे हुए हो इनके कणों को, यही कारण है ये खींचे जाने पर खींचते नहीं है। जबकि द्रव को हम हाथ से खींच सकते हैं क्योंकि उसमें अंतराणविक बल कम होता है। अब हम चर्चा करते हैं गैस की। गैस में तो अपने आप ये केवल स्वतंत्र छोड़ दिए जाएँ तो इसके कण बहुत दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंतराणविक बल बहुत कम होता है। यह उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने में हमें बहुत ही ऊर्जा मिले। धन्यवाद।